कुछ लोगों ने अपनी भूल को सुधारा और सुधार करके उन्होंने सुबह का भूला अगर शाम को आता है और उसको दिल से ये मानता है कि हाँ मैंने गलती की थी और मैं सुधार कर रहा हूँ, तो वहाँ पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कोई उसके बाद भी कोई गलती करे तो वहाँ पर विचार नहीं किया जा सकता। हमारे लिए दोनों साइड की बहन और बेटियाँ बराबर हैं। जो हमारे खिलाफ भी बहनें हैं बेटियाँ हैं, हम उनके बारे में भी ये पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कोई नंगी तस्वीर लगाए, उनके कोई नंगे थंबनेल लगाए। जो हमारी बहन बेटियां हमारे फेवर में हैं, हम उनके बारे में भी पसंद नहीं करेंगे कि उनके बारे में भी कोई नंगी तस्वीर लगाए या उनको वेश्या या उनको कोठे वाली या उनको पैसों में 200 रुपये में 1000 रुपये में इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करें, हम उनके लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे विरोधी है कोई बात नहीं, मोमिन मलिक का विरोध करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जहां तर्क है वहां वितर्क है, जहां वितर्क है वहां तर्क है। लेकिन बहनों के प्रति, माओ के प्रति, बेटियों के प्रति अभद्र भाषा, अभद्र पिक्चर, अभद्र थंबनेल का अगर प्रयोग किया, चाहे मेरा सगा भाई भी क्यों ना है, घर से निकाल के खसीड के जेल में डालूंगा, बख्शूंगा नहीं। अपने खुद मेरी खुद की औलाद भी अगर ऐसा कर देगी तो उसका भी कोई जवाना बचने का खाता नहीं है। मेरा खुद का भाई भी कर देगा, सगा मेरा खून, उसको भी बचने का रास्ता नहीं है। माँ बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, बट उनकी नंगी तस्वीरें कोई नहीं लगाएगा। वो हमारी खिलाफत कर रही है, करने दो, उनको राइट है, हमें भी राइट है उनकी खिलाफत करने का, हमारे साइड वालों को भी राइट है उनकी खिलाफत करने का, बट नंगी तस्वीरें किसी के साथ नहीं। कोठे वाली ठहराना किसी को नहीं कहना, पहल इधर से हुई है या पहल उधर से हुई है, इधर से पहल हुई है उधर जवाब दिया गया या उधर से पहल हुई है इधर जवाब दिया गया, दोनों पक्ष इस चीज को बंद करे और अपनी बात रखे जो आपको रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हंसी मजाक की कुछ हद तक चलती है बात, लेकिन उसका भी एक मर्यादा है, दायरा है। नंगी तस्वीरें मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। तो दोस्तों अभी वक्त है एक पाकिस्तानी महिला के लिए जिसने खुद पाकिस्तान को बदनाम किया है, हमारे भारत की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की है, उसको जेल करवाना और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाना हमारा मकसद है। इसके अलावा हम भारत में चाहते हैं कि जितनी भी बातें हैं उन पे आप तर्क रखो, वितर्क रखो, आर्गुमेंट करो, अपने अपने विचार रखो, मनाई नहीं। लेकिन गंध उतार के मेरी पुनः आप सभी से, दोनों पक्षों से हाथ जोड़ के अपील है कि पुनः हाथ जोड़ के अपील है, मोमिन मलिक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन पुनः अपील है, मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, उनकी इज्जत के लिए, कि उनके कोई गंदे थंबनेल ना लगाए, चाहे कोई भी है, सम्मानित है हमारे लिए, हमारे लिए आस्था बहन भी सम्मानित है, हमारे लिए दूसरे पक्ष की बहनें भी हैं, सभी लोग हमारे लिए सम्मानित हैं। लेकिन अपनी बात रखें, विरोध करें, जो करना करें, लेकिन उसके अंदर अश्लीलता का प्रयोग ना करें, उसके अंदर नंगी तस्वीरों का प्रयोग ना करें, उसके अंदर कोठे वाली, धंधे वाली, इतने पैसे वाली, पर्ची वाली, इन सब बातों का प्रयोग ना करें। और बतरे तरीके मजे लेने के, अगर आपको मजे ही लेने हैं, मजाक उड़ानी है, और तरीके बहुत है, आप ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चीज़ को समझेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गुजारिश है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, एक हाथ जोड़ के अपील ही कर सकता हूं कि दोनों पक्ष किसी भी बहन बेटी के प्रति कोई अनादर भरे
शब्दों का प्रयोग ना करें, कोई गंदी तस्वीरों का प्रयोग ना करें और कोठे वाली जैसी बातों का प्रयोग ना करें। जो अब तक हो गया सो हो गया, उसमें मट्टी डालें, लेकिन आगे से ना करें। दुनिया की किसी भी बहन बेटी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की भी हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे वो दुबई की हो, चाहे वो नेपाल की हो, किसी भी दुनिया के किसी भी शहर और कंट्री की हो, महिला है ना, पूरी दुनिया में कहीं की भी हो, बहन है ना, बेटी है ना, माँ है ना, तो महिला बहन बेटी किसी के प्रति कोई नंगे तस्वीरों का प्रयोग आप सब कोई भी ना करें। भाड़ में जाए ये केस, लेकिन बहनों बेटों की इज्जत कोई ना उतारे, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं और जो लोग इस चीज में शामिल हैं, वो इस चीज को समझेंगे और इसकी तरफ गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे सच्चाई की मदद के साथ, इंसानियत की मदद के साथ। देखिए, ऑर्डर तो कोर्ट का होना है और माननीय अदालत को ही आदेश देने हैं। हमने अपना पक्ष रखना है, उन्होंने अपना पक्ष रखना है, हमने अपनी दलीलें रखनी है, उनको अपनी दलीलें रखनी है, हमने अपने सबूत पेश करने हैं, उनको अपने सबूत पेश करने हैं, हमने अपनी बहस करनी है, उनको अपनी बहस करनी है, हमने अपनी गवाही देनी है, उनको अपनी गवाही देनी है। और जब फैसला आएगा, ईमानदारी के साथ जो मेहनत की होगी, बिना लालच के जो मेहनत की होगी, इंसानियत के लिए जो आपने दुआ की होगी, उस दुआओं की बदौलत जो फैसला आएगा, वो सबको मान्यता होगा, सब उसको मानेंगे और वो सबके लिए सुखदायी फैसला होगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मेहनत करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जद्दोजहद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जी जान से, लगन से, एक एक पॉइंट पर, एक एक इशू पर, छोटे से छोटे पॉइंट पर, बड़े से बड़े पॉइंट पर, हम बड़ी से बड़ी गवाही देंगे, बड़ी से बड़े प्रूफ रखेंगे और मेहनत और लगन के साथ जो ये इंसानियत का केस है, जो दुनिया के लोग इससे जुड़े हुए, उस केस को जिता करके उन पूरी दुनिया के उन इंसानियत के मानने वालों की, लोगों की झोली में वो केस जीत के डाल देंगे। और वो जीत, सबसे बड़ी जीत, मोमिन मलिक की जीत नहीं होगी, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान के मानने वाले, हर उस व्यक्ति की जीत होगी, हर उस बहन की जीत होगी, हर उस बेटी की जीत होगी, हर उस माँ की जीत होगी, हर उस बुजुर्ग की जीत होगी जो इस केस को जीतना चाहते हैं, जो अपनी आंखों से सच्चाई को जीतने देखना चाहते हैं और भारत की संस्कृति को बिगड़ने से जो लोग बचाना चाहते हैं। और उन सब के जिम्मेदार और उन सब के जो जिनके ऊपर सेहरा होगा, वो आप सब लोग होंगे, भारत के यूट्यूबर्स, बाहर के यूट्यूबर्स, और वो सभी अच्छी सोच रखने वाले लोग जो इस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों, आज आपका काफी टाइम ले लिया, कोई बात मेरे से गुस्से में ऐसी निकल गई हो फ्लो में, तो उसको महसूस ना करें। आप सभी हमारे भाई बहन हैं और आपसे हमारा एक इंसानियत का नाता, इंसानियत का रिश्ता है। तो कोई चीज़ अगर हो सकता, मैं भी इंसान हूँ, कोई मैं फरिश्ता नहीं हूँ, कोई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं गलती नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो सकती। कोई भी बात मेरी अगर ऐसी निकले जो आपको अच्छी ना लगे, ना गवार गुजरे, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं ऐसा आपको वादा करता हूँ कि मैं इसके सारे बुरे कामों को रोकूंगा, भारत की संस्कृति को बिगड़ने नहीं दूंगा, इसको जेल भी पहुंचाऊंगा और उन बच्चों की सुरक्षा को भी कराऊंगा सुनिश्चित, प्रशासन द्वारा, कोर्ट द्वारा, और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को दिलवाऊंगा। और गुलाम हैदर अगस्त के लास्ट तक भारत में आने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 24 अगस्त के बाद हमारी 3-4 तारीखें जो हैं वो लगातार हैं। अगर मैं पहले उनको बुला लेता हूँ तो उनका पीरियड, जो वीज़ा का वो शॉर्ट पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगा और वो गवाही से बात रह जाएगी। तो उस वक्त वो आएगा, गवाही भी कर लेगा, अपने बच्चों से भी मिलेगा और उसके बच्चे भी उसको सौंप दिए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो इसकी ये हरकतें हैं, ये हमने पूरी तैयारी के साथ यूट्यूब को
प्रशासन को और सभी को ये ऑर्डर्स हम अभी लाइव के बाद इसको जो है वो स्कैन करके मेल कर देंगे और कल उसकी हार्ड कॉपी भी भेज देंगे और पर्सनली भी जा करके हम ये सब दे के आएंगे और इसको बंद कराने की कोशिश करेंगे।